जीवन में हमें खुशियाँ कभी भी दूसरे व्यक्तियों से नहीं बल्कि हमें स्वयं से प्राप्त होती हैं, जो कि हम सभी जानते हुए भी इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हम सभी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, हम व्हाट्सएप चलाते हैं, आप चलाते होंगे, लेकिन आपने ये देखा, आज हम जो भी अपने जीवन में जो भी अच्छे मोमेंट्स हैं, जो भी अपने फैमिली के साथ जो भी हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उन सभी क्षणों को स्टेटस के माध्यम से उसे बाजारू बना रहे हैं। हम किसी के साथ हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, कोई भी छोटे से छोटा कृत्य भी अगर हम अपने 24 घंटे में कर रहे हैं तो उसे लोगों को हम स्टेटस के माध्यम से बता रहे हैं कि आज हमने ऐसा किया, आज हमने वैसा किया। लेकिन आपने कभी ख्याल किया है, हम जब तक व्हाट्सएप को कोई फाइल भेजने के लिए, कोई फोटो भेजने के लिए, कोई वीडियो भेजने के लिए या कोई मैसेज करने के लिए उपयोग में लेते थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन आज हम निरंतर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के इतने आदि हो गए हैं कि हम हर एक चीज करने के जस्ट एक घंटे बाद या 5 मिनट बाद उसे स्टेटस पे शेयर किए बिना हमसे रहा नहीं जाता। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस क्षण को नहीं जीते हैं जिस क्षण में हम जिसके साथ भी घूम कर आए हैं, जिसके साथ भी होकर आए हैं, हमें असल में खुशी वो नहीं मिलती या उसके साथ नहीं मिलती, बल्कि जो हम स्टेटस पे उस फोटो को डाल लेते हैं या 150 लोगों को दिखा लेते हैं कि आज हमने ऐसा किया, आज हमने पिज्ज़ा खा लिया, आज हमने समोसे खाए, और जब तक 4-6 आदमी 20-50 आदमी हमारे बारे में तारीफ नहीं कर देता, तब तक हम असल में सच्ची खुशी जानते ही नहीं हैं कि क्या है। जब तक बाहर एक आदमी आके आपसे कुछ कह नहीं देता कि आप सुंदर हैं, आप इस फोटो में अच्छे लग रहे हैं या आप जो भी हैं, तब तक आप उस चीज़ को महसूस ही नहीं कर पाते। कोई भी आज स्टेटस डालता है, मैंने अपने शुरुआती दिनों में अनुभव किया, जब भी कोई स्टेटस डालता था तो हमारी आदत हो गई थी, धीरे धीरे हमें पता नहीं चला इस बात का। जैसे कोई स्टेटस आया तुरंत उसे खोल के देखा, जो भी आया तुरंत खोल लिया। फिर धीरे धीरे जब मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं इसका एडिक्ट हो रहा हूँ, या जो कुछ भी कहीं जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तुरंत उसको स्टेटस पे दिखा दिया। हम किसे बताना चाह रहे हैं, किसे क्या साबित करना चाह रहे हैं? और असल में मैंने सोचा कि स्टेटस में उसका देख रहा हूँ, मुझे क्या इसकी आवश्यकता है, मुझे क्या ज़रूरत है अपने जीवन में? अगर मैं उसका स्टेटस नहीं देखूँगा तो क्या आज का मुझे खाना मुश्किल हो जाएगा क्या? आज का जीवन या आज मुझे सांस लेना मुश्किल हो जाएगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैंने अपनी छोटी छोटी बातों को नोटिस किया कि हम क्यों फलाने आदमी को स्टेटस देख रहे हैं, या हम क्यों कहीं घूम रहे हैं, उसकी फ़ोटो दूसरों के साथ क्यों साझा कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है उसकी? हम किसी के साथ गए, आपने फ़ोटो ली, अच्छी बात है, अपने पास रखें, क्यों हम 4 लोगों को दिखाएं कि हमने आज ऐसा किया? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग सोशल मीडिया का किसी ज़रूरत के हिसाब से काम में ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप इस तरीके की बिल्कुल आदत ना अपनाएं, इस तरीके के बिल्कुल आदि ना हो जाएं कि आप दूसरों के स्टेटस देखने में या स्टेटस डालने में या छोटे छोटे मोमेंट्स हैं अपने या जो कुछ भी आप जीवन में अपने जी रहे हैं, उन लोगों को अपना एक तरह से बाजारू ना बनाएं, उन मोमेंट्स को, उन पलों को, जो भी आपके खुशी भरे या हैप्पीनेस वाले ऐसे पल हैं उन्हें सहेज के रखें जीवन में। बांटे नहा ना बस सक कि फेसबुक पर डाल दिया, यहाँ दिखा दिया, उन्हें दिखा रहे हैं, क्या मतलब है उसका? कभी ख्याल किया है आप? तो आप पाएंगे कि इन सब चीज़ों का को कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा भी नहीं होती है, एक तरह से मेंटलिटी बन गई है, ऑटोमेटिक सेट हो गया एक सर्कल कि हमें शेयर करना है, हमें दिखाना है उसे। आज आप किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप उसका स्टेटस देख लीजिए, आज उसके घर पे क्या हुआ है, आज वो कहाँ गया है, उसका स्टेटस देख लीजिए, उसकी छोटी से छोटा कृत्य आप स्टेटस के माध्यम से पता लगा सकते हैं। कितनी बड़ी मज़े की बात है। एक समय ऐसा था कि हमें किसी को लेटर्स भेजने होते थे, कोई पत्र भेजना होता था, तो 10 से 20 दिन या महीनों इंतज़ार करना होता था तब वो हमें पत्र मिलता था, तब उसके बारे में उसकी राजी खुशी हमें जानने को मिलती थी। लेकिन आज आप जस्ट ही सेकंड पर उसका स्टेटस देख लीजिए, आज उसके यहाँ पूजा हुई है, आज वो किसी मित्र से मिलने गया है, आज किसी विधायक जी से उसका मिलना हुआ, सब कुछ अपडेट देता है वो। लेकिन उससे कोई पूछे ऐसा आप क्यों करते हैं, तो पता नहीं उसे खुद। आप कभी गौर करना कि आज आपने जो भी फ़ोटो डाली है या जो भी स्टेटस पे कुछ भी लिखा है या कुछ भी है, आप क्या कहना चाहते थे उसके बारे में, क्यों दिखाना चाहते थे किसी को कि आप कैसे हैं, क्या लग रहे हैं? जैसे फ़ोटो आपकी है, आपने देख ली, अब दूसरे को क्या दिखाना है?
क्या जरूरत है दूसरे के स्टेटस को देखने की? कभी विचार करें, आप जो भी कर रहे हैं या सोशल मीडिया को किस तरीके से आप काम में ले रहे हैं, कहीं आप उसके एडिक्ट तो नहीं हो गए हैं? आप थोड़ा गौर करें, आपको आपका जवाब स्वयं मिल जाएगा।